हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, 17 अगस्त और आज 18 अगस्त को ग्रुप डी के फाइनली दोनों दिन तीन तीन शिफ्ट में एग्जाम यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो लगभग एक ओवरव्यू मिल चुका होता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है और क्या कट ऑफ भी जा सकती है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का सेकंड फेज का एग्जाम शेड्यूल है, जिन लोगों का सेकंड फेज में एग्जाम होने वाला है, उनकी आज सिटी इंटीमेशन की लिंक जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो वो लोग देख सकते हैं अपना सिटी इंटीमेशन की किस दिन उनका और किस सिटी में उनका एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो बात करें अगर कि यहाँ एग्जाम की, तो एग्जाम कल और आज जो हुआ है उसमें ओवरव्यू एक यही मिल रहा है कि एग्जाम का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट इसलिए है कि बहुत इजी भी नहीं बोलेंगे और बहुत हाई भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इजी टू मॉडरेट इस टाइप से एग्जाम है। और वहीं अगर बात करें हम टॉपिक वाइज, तो रीजनिंग जो है थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग ले रहा है, या उसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं रीजनिंग की बात अगर करें तो। मैथ लगभग इजी टू मॉडरेट है, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आ रहे हैं और कुछ थोड़े से इजी भी आ रहे हैं, इस प्रकार से है। जीए जीके की बात करें यहाँ पर, तो करंट अफेयर्स आ रहे हैं 2022 के, जो कि अभी तक जो है मई तक ही शायद देखे गए हैं करंट अफेयर्स, और 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और वहीं अगर बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आर्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में आपके अनुसूचियों के आ रहे हैं, संविधान संशोधन के आ रहे हैं, और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि वन है, जैसे मैंग्रोव वन के बारे में पूछा गया था, एक सुंदर वन से रिलेटेड, और पोर्ट बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। और वहीं पर अगर बात करें तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये और इकोनॉमी के एक दो क्वेश्चन, मतलब सब मिला जुला के एक ओवरव्यू ये जो है। तो जीए लगभग इजी ही आ रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। अगर आप जो लोगों ने एनटीपीसी दी हुई है या तो पिछला ग्रुप डी या प्रीवियस ईयर अगर पढ़ा हुआ है तो वो लोग इसको कर सकते हैं, ये बहुत कठिन चीज नहीं है। बात करें साइंस की, तो जी हाँ, साइंस जो है थोड़ा सा मतलब कि अच्छे लेवल का आ रहा है, मतलब बहुत इजी नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का साइंस आ रहा है। यानी 25 में अगर आप 15-16 भी कर लेते हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट इसमें माना जाएगा। अगर ओवरऑल सम अप करके अगर अटेम्प्ट की बात करें यहाँ पर, तो लगभग अगर जो 70 के करीब यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, सही भी इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर दें ऐसे तुक्का मार के 70 अगर करें तो, ऐसी बात नहीं है। 70 से 75 या 80 भी आप ले सकते हैं, कुछ लोग कर लें, लेकिन मैं सिर्फ सही सही की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो 100% एक्यूरेसी के साथ जो लोग करके आ रहे हैं। तो 70 से 75 क्वेश्चन अगर आप लोग 100% एक्यूरेसी या 95% एक्यूरेसी के साथ भी अगर करके आ रहे हैं तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी जोन से हो, कट ऑफ लगभग इसी में रहेगा। मतलब कट ऑफ जो है आपका किसी जोन में 64 भी रह सकता है, कहीं 65 भी, कहीं 68, तो कहीं 70, यानी 65 से 75 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पर, अभी तक के एनालिसिस के अनुसार अगर बात करें तो। इससे ज्यादा अब लगभग यही पैटर्न चलेगा, क्योंकि अब पैटर्न में ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई पड़ेंगे, लगभग इसी पैटर्न और इसी लेवल के क्वेश्चन अब आने वाले शिफ्ट और आने वाले फेजेस में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न है और इस प्रकार का गुड अटेम्प्ट। अगर गुड अटेम्प्ट फिर से बता दूं तो 70 से 75 क्वेश्चन के बीच आप लोग करें एक्यूरेसी के साथ। बहुत सारे महानुभाव जो हैं, जो लग रहा है कि डायरेक्ट अश्विनी वैष्णव के नीचे ही काम करेंगे, जो बोलते हैं कि हमने 100 अटेम्प्ट करके आए, ये लोग जब ऐसे लोग मिले ना तो आप मान लो कि ये फेल होने वाले हैं, वहीं पर फेल हो गए। जितना टाइम इन्होंने कहा कि हमने 100 अटेम्प्ट किए हैं, उतने टाइम ही पता है कि ये फेल होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग माइनस लेने वाले हैं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है तो 100 यहाँ कहाँ कर पाएंगे। एक अच्छा पढ़ा हुआ जो तैयारी किया हुआ बंदा भी जाता है तो 80-82 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा तो 85 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा वो उतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि एग्ज़ाम उतना मतलब कि ईजी नहीं आ रहा जो 2018 में थोड़ा सा देखने को मिला था। और सही भी है, उतना ईजी आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ इतने बड़े लेवल पर अगर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इतने बच्चे दे रहे हैं, तो उनको आप कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे
कैसे रिजेक्ट करोगे, उसके लिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जरूरी है। हाँ, रेलवे ग्रुप डी से बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल पैटर्न होना चाहिए। तो अभी जो पैटर्न आ रहा है वो बिल्कुल सही पैटर्न आ रहा है, इजी टू मॉडरेट, बहुत ही अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के भी लायक हैं और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। तो इतना बहुत सही अभी क्वेश्चन पेपर आ रहा है और आने वाले समय में भी शिफ्ट में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अटेंडेंस की, कि कितने लोग आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक, अटेंडेंस जो कि मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से बहुत पहले बताया हुआ था और अभी फिर से बता रहा हूँ कि अटेंडेंस जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे लोगों ने भी ये बताया होगा अगर आपने कहीं भी और वीडियो देखी होगी तो, कि अटेंडेंस 50% ही रहेंगे। 1,15,00,000 फॉर्म भराए थे, 50% ही अटेंडेंस, यानी अप्रॉक्स वही लगभग लगभग मानिए कि 55 से 50 लाख, 50 लाख ही आप मान के चलिए कि करीब करीब जो है लोग यहाँ एग्जाम देंगे, यानी 50% लोग एग्जाम देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ वहाँ उनका सिलेक्शन हो चुका है। 3.5 साल का एक लंबा समय है, तो जितना डिले होता है कोई भी एग्जाम हो तो उतना ही यहाँ पर मतलब कि अटेंडेंस कम होती है, ये पहले से ही इतिहास रहा है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग बोर होके छोड़ देते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं या अपनी थोड़ी घर की प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ वहाँ कोई जॉब कर लेते हैं तो उनका मन फिर पढ़ाई से हट जाता है। कुछ लोग और जगह सिलेक्शन ले चुके हैं क्योंकि इसी बीच में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई थी, क्योंकि इसी बीच में आपकी वही 2018 वाली क्लियर हुई थी वैकेंसी, जो कि कुछ लोगों को पोस्टिंग या जॉइनिंग 2019 में मिली थी, लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया था ग्रुप डी का, इसलिए वो अप्लीकेशन में इतना बड़ा नंबर दिख रहा है। 2018 में बहुत सारे लोगों ने वही जॉइनिंग ले ली थी, SSC GD में करीब 58,000 पोस्ट भरी थी, फिर UP पुलिस में वैकेंसियाँ आई थी और बाकी स्टेट वाइज जो इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, फिर बैंकिंग है, SSC है, इनमें एग्जाम्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग इधर ज्वाइनिंग ले लिए हैं जो कि अच्छे अच्छे बच्चे थे। तो एक एवरेज जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट वही एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत हाई लेवल के लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे। और साथ साथ ये भी बता दूं कि NTPC में भी बहुत सारे ऐसे मतलब कि 90% लोग लगभग लगभग ऐसे थे NTPC वाले जो ग्रुप डी का भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ अगर एग्जाम भी देते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने बोला है कि पूरी की पूरी पोस्ट भरी जाएगी। अगर देख लीजिए कि अगर 35,000 में से मान लीजिए कि बहुत सारे लोग NTPC वाले, जो लोग NTPC में जब उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो वो लोग वैसे भी ग्रुप डी छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि जो वेटिंग में लोग होंगे तो वो कम कट ऑफ डिक्रीज करके भी कट ऑफ को वो बाकी लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन ले लिया जाए, तो उससे दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़ाई करिए आने वाले शिफ्ट में और एग्ज़ाम दीजिए। एक चीज़ और लोगों को परेशानी है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो दूर दूर फेंक रहा है, यानी कि होम स्टेट नहीं दे रहा है, दूर दूर दे रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम दें या नहीं दें। मैं इन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने जीवन में कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की हुई है और थोड़ा भी अगर आपने पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, भले ही आप पिछले 2 महीने से नहीं पढ़े, 3 महीने से, 6 महीने से, अभी भी जो भी आपके पास दिन बचे हैं, 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी है, जो कि फर्स्ट फेज वालों को तो इतना नहीं बचा है, लेकिन सेकंड फेज वालों के लिए मैं खासकर ये बोल रहा हूँ, तो वो लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो डेली शिफ्ट हो रहे हैं, उनका एनालिसिस भर भी अगर वो देख लेते हैं और उसके आधार पर कुछ इम्पॉर्टेंट हर चैप्टर से 7-8 टॉपिक को लिख कर सिर्फ उन्हीं को भी अगर रिवाइज करके चले जाएंगे ना, तो भी काफ़ी अच्छा यहाँ स्कोर कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में वो 50+ या 55 के अप्रॉक्स भी अगर स्कोर कर ले रहे हैं ना, तो एक चांस आपका बनेगा एक बार सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कट ऑफ क्या जा सकती है किसी को नहीं पता है, एक सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कहीं कहीं लास्ट लास्ट में ऐसा भी होता है कि किसी किसी जोन में 50-45 पर भी यहाँ सिलेक्शन हो जाया करते हैं लास्ट लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर अगर अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो छोड़ देते हैं, तो फिर कट ऑफ को डिक्रीज करना पड़ता है पोस्ट भरने के लिए, तो ऐसा भी यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जो लोग मतलब जिनकी 50% भी अगर तैयारी है ना, तो लोग एग्ज़ाम देने जरूर जाइए। सब ऐसा नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ कहाँ जाओगे इतना दूर एग्ज़ाम फालतू में ये हो, लेकिन अगर मैंने कभी भी अगर पढ़ाई की हुई है, थोड़ा बहुत कुछ समय से अगर छूट गई हो, तो थोड़ा सा अभी आपके पास समय है, या आपको ही पता है कि 1,03,000 इतनी बड़ी वैकेंसियाँ आने वाले समय में नहीं आने वाली हैं किसी भी समय में,
तो ये एक आखिरी मौका है गवर्नमेंट जॉब, अगर आप एक बार एंट्री तो ले लीजिए ग्रुप डी में, उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जिसके तहत आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और एग्ज़ाम स्किप करने का ना सोचिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आप 10-20 नंबर ही लाने लायक बस रह गए हैं या आप उतनी सोच रखते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम देने जरूर जाइए। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स पे आज बात करनी थी मुझे, तो इसलिए ये वीडियो था। और अगर आप लोग के कोई डाउट है या किसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।